नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ लेसन नंबर 2। सो बेसिकली अगर आप एक बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं और एक अच्छे बांसुरी वादक बनना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी बांसुरी होनी चाहिए। सो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जितने भी फ्लूट प्लेयर्स होते थे वो खुद के लिए बांसुरी बनाते थे और हिसाब से अपने हिसाब से ही उसको ट्यून करते थे। बट आज ज़माना थोड़ा डिफरेंट हो गया है, हमारे अंदर जो है काम वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और बहुत सारे वेंडर्स हमारे मार्केट में आ चुके हैं। सो और बांसुरी सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र है जो कि ऑलरेडी ट्यून्ड होता है, जिसे हम बाद में जैसे तानपुरा हो या फिर वायलिन हो जिसे ट्यून करने की ज़रूरत पड़ती है, हर बार हम उसे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साउंड के साथ मैच करके हम उसे ट्यून करने की कोशिश करते हैं। पर बांसुरी में अगर आप देखें, ये मेरे पास अभी मैं आपको एक लोकल फ्लूट दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे नोट्स फिक्स्ड हैं क्योंकि यहाँ पे जो होल की जाती है ये हॉलो पीस ऑफ बैम्बू है जिसमें होल की गई है और जिसमें जिसके कारणवश हर एक स्वर फिक्स्ड है, यहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी स्वरों के स्केल्स हैं उसके अनुसार डिफरेंट तरीके के बांसुरी भी हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ बांसुरियाँ छोटी होती हैं, कुछ बांसुरियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइजेस की फ्लूट्स लगा रखी हैं जो आप डिफरेंट केसेस में हैं अभी, क्योंकि जब हम बांसुरी सीखने जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमारे पास एक अच्छी बांसुरी हो। तो कैसे हम एक अच्छी बांसुरी चूज़ करें, कहाँ से ख़रीदें और क्या हमें हमेशा से एक हाईली प्राइज्ड बांसुरी खरीदना चाहिए या फिर लोकल वेंडर भी हमें कोई अच्छी बांसुरी बना कर दे सकते हैं। तो चलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब हम बांसुरी सीखना स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है क्योंकि उनके हाथों के फ्लैंजेस के जो साइज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों की उंगलियां काफ़ी बड़ी होती हैं, कुछ लोगों की उंगलियां छोटी होती हैं। तो ऐसे इस केस में किस तरीके, क्या बड़ी बांसुरी भी छोटे इंसानों के लिए सक्षम होगी, क्या वो उसको अच्छे तरीके से ग्रिप कर पाएंगे, नहीं, तो क्या किया जा सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि बेसिकली बिगनर्स के लिए हम छोटी बांसुरी यूज़ करते हैं। तो मैं क्या रेकमेंड करूँगा कि छोटे लोग जैसे 10 ईयर्स से छोटे, 10-20 ईयर्स एंड अबव 20 ईयर्स के डिफरेंट ग्रुप्स के जो पीपल्स हैं उनके लिए, उन्हें डिफरेंट तरीके की और डिफरेंट लेंथ की फ्लूट की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके फ्लैंजेस बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी ब्लोइंग पावर डिफरेंट होती है और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप में गंभीरता बढ़ती जाती है तो आप बेस फ्लूट की तरफ आपका झुकाव उतना ही बढ़ता जाता है। और कुछ लोग बॉलीवुड गाना बजाना चाहते हैं, कुछ लोग शास्त्रीय संगीत में अपनी रुचि रखते हैं, तो बॉलीवुड बजाने के लिए क्योंकि बॉलीवुड में डिफरेंट सिंगर्स होते हैं जो जिनकी एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक आधारित फ्रीक्वेंसी पे गाते हैं। जब भी वो गाने जाते हैं तो वो हारमोनियम प्लेयर या केसियो प्लेयर से वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए एक सी स्केल आप देना और मैं उस पर गाने जा रहा हूँ या गाने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम डिफरेंट साजों के साथ जब कोई म्यूज़िक जनरेट करते हैं तो हमारे पास स्केल मैच करने के लिए डिफरेंट साइजेस के फ्लूट्स होने भी ज़रूरी हैं। चलिए एज ए बिगनर कौन सी फ्लूट हम लें। सो मैं रेकमेंड करता हूँ कि एज ए बिगनर छोटी फ्लूट ली जाए और सी स्केल की फ्लूट आप खरीद सकते हैं अगर आप 10 साल से छोटे हैं या फिर 15 साल से छोटे हैं, और जब आपकी आयु 15 साल से ज़्यादा हो जाए तो वैसे केस में मैं आपके फ्लैंजेस थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बड़ी बांसुरी जी स्केल की फ्लूट बजाएं। और अगर आप 20 ईयर से ज़्यादा हैं
तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ई स्केल की बांसुरी पर अभ्यास करें। पर क्या सब लोगों को ऐसा ज़रूरी है कि सी स्केल, जी स्केल या ई स्केल की फ्लूट से स्टार्ट किया जाए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रारंभ में आपकी उंगलियां नहीं चलती हैं और संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपकी सोच आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच करनी चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं आप इंस्टेंटली उसको प्रस्तुत करते हैं। और शुरुआत में ये जो हमारे जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है हमारे हाथों के साथ वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि संगीत एक और या उंगलियां चलना या स्वरों का अभ्यास करना ये एक लैंग्वेज की तरह है, भाषा की तरह है, जिसे आपको सीखने की ज़रूरत है और रेगुलर अभ्यास के साथ वो आपके अंदर आता है। तो प्रारंभ में लोगों की उंगलियां बिल्कुल नहीं चलती हैं, कुछ लोग की तो उंगली बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, तो वैसे केस में हम क्या करें? मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि सब लोगों को सबसे पहले जब वो स्टार्ट करें तो छोटी फ्लूट लें। अभी मैं आपको एक छोटी फ्लूट दिखा रहा हूँ जो कि एक लोकल वेंडर का है। ये काफ़ी छोटी फ्लूट है, एक ये लोकल वेंडर का है, और साथ ही मैं आपको एक अच्छी फ्लूट भी दिखाने जा रहा हूँ जो कि पूनम फ्लूट की है। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लूट काफ़ी छोटी है और आपकी उंगलियाँ आसानी से इन सारे होल्स को कवर करने में सक्षम है। तो आप स्पीड, जब कभी कभी क्या होता है कि लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो उसकी उंगलियां चलनी स्टार्ट होती हैं, और निरंतर अभ्यास के साथ आपकी उंगलियां तेज चलनी शुरू हो जाती है, तो आप अच्छा बजाने लग जाते हैं। तो अच्छा बजाना और उंगलियों का तेज चलना ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को कि सी स्केल की फ्लूट के साथ स्टार्ट करें अपनी जर्नी। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और आपको फ्लूट की ज़रूरत पड़ेगी।